रिश्ता क्या कहलाता है में शिवू और अभीर की लड़ाई के बाद शेफाली सोचती है कि क्यों ना अक्षरा को ये बात बताई जाए और अक्षरा से ही पूछा जाए कि अभीर के साथ कैसे डील करना है। इससे पहले शेफाली अक्षरा को कुछ बचा पाती, मंजरी वहां पर पहुंच जाती है और शेफाली के हाथ जोड़ लेती है कि वो इस बारे में अक्षरा को कुछ ना बताएं। इधर अक्षरा को आता है एक मेल कि उसकी नौकरी लग गई है, जिसके बाद अक्षरा बहुत खुश हो जाती है और इसी खुशी में अक्षरा और अभिनव परिवार वालों के सामने ही गले लग जाते हैं। अभिमन्यु अभीर की करंट कंडीशन को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान है। अभिमन्यु को ऐसा लगता है कि जब तक वो अभीर का डॉकमैन था तब अभीर उससे ज़्यादा खुला हुआ था, जब से वो उसका डैडा बना है अभीर उससे ठीक से बात भी नहीं करता है। अक्षरा अपने ऑफिस के पहले दिन पर जा रही होती है कि उसी समय उसको प्रिंसिपल का कॉल आता है। प्रिंसिपल कुछ उससे ऐसा कहती है जिससे अक्षरा बहुत टेंशन में आ जाती है और वो और अभिनव पहुँचते हैं अभीर के स्कूल। इधर मंजरी ने अभीर का मूड ठीक करने के लिए उसको स्कूल की जगह घूमने भेज दिया है, जो बात अभिमन्यु को पसंद नहीं आती है। लेकिन जल्द ही मंजरी की सारी पोल खुलने वाली है, जो काम खुद स्कूल की प्रिंसिपल करने वाली है। स्कूल की प्रिंसिपल अक्षरा और अभिनव को ये बताती है कि अभीर अपने टेस्ट पेपर्स में कुछ नहीं कर रहा, उन्हें खाली छोड़ दे रहा है, और वो उन्हें अभीर के एटीट्यूड के बारे में बताती है कि अभीर क्लास में अपनी टीचर्स को पलट पलट के जवाब दे रहा है। अक्षरा और अभिनव के लिए ये बात को मान पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन टीचर उन्हें बताती है कि जो वो कह रही है वो बिल्कुल सही है, और वो उन्हें ये भी कहती हैं कि अगर उन्होंने अभीर को इस स्कूल से निकाला तो अभीर को किसी भी स्कूल में जल्दी एडमिशन नहीं मिलेगा। ये सुन के अक्षरा और अभिनव बहुत टेंशन में आ जाते हैं। अक्षरा प्रिंसिपल से पूछती है कि इस बारे में किसी को पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया, जिस पे प्रिंसिपल बताती है कि उन्होंने मंजरी को ये सारी बातें बताई थी, लेकिन मंजरी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी को अभीर की स्टडीज़ की पड़ी ही नहीं है। ये सुनकर तो अक्षरा आग बबूला हो जाती है और पहुँच जाती है बिरला हाउस मंजरी की क्लास लगाने। लेकिन बिरला हाउस में उसके लिए एक और सरप्राइज वेट कर रहा है। वहाँ पर उसको मिलता है शिवू और शिवू अक्षरा को बताता है कि कैसे अभीर ने उस पर पेंसिल से अटैक किया है, जिससे उसका खून तक निकल आया है। ये सुनकर तो अक्षरा और ज़्यादा चौंक जाती है कि अभीर कैसी चीज़ें बिरला हाउस में सीख रहा है। अब इस बात पे अक्षरा की चिंता तो लाजमी है। अक्षरा मंजरी से बोलेगी कि वो अभीर को यहाँ नहीं रहने देगी, उल्टा मंजरी उस पर केस कर देगी और उसके दो दिन के मिलने की परमिशंस भी उससे छीन लेगी। तो क्या अभिमन्यु ये सब खड़ा होकर देखता रहेगा या अक्षरा के लिए कुछ करेगा? जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।